मेरे भाइयों, अपने अल्लाह को राजी करें। जिन दुकानों के पीछे नमाजें छूट गईं, जिन दुकानों के पीछे सच को तलाक हो गई, जिन दुकानों के पीछे दयानत चली गई, ख्यानत आ गई, बद्दयानती आ गई, हाँ अल्लाह ताला क्यामत के दिन कहेगा बद्दयानत से, वो तूने जो अमानत खाई लेके आ, वो अमानत जो तू खा गया था लेके आ। कहेगा या अल्लाह कहाँ से लाऊं, वो तो दुनिया में रह गई। अल्लाह ताला फरमाएंगे पड़ी हुई है जहन्नम में, पड़ी है, जा उठा के ला। वो जहन्नम में कैसे जाए, तो फरिश्ते मारेंगे चक और वो उसको लेके चलेंगे, और चलते चलते दोजख का सबसे खतरनाक हिस्सा हाविया, वहां उसको लेके जाएंगे जहां मुनाफिक रहते हैं। बद्दयानत लोग हाविये तक चले जाएंगे ईमान होने के साथ भी। अमानत को खाने वाले लोग हाविया में चले जाएंगे, जो मुनाफिकीन की आग है उसमें। वहां देखेगा तो जिसका माल तबाया था दुनिया में वहां पड़ा होगा, कहेगा अच्छा यहां पड़ा है। इतने में वो तबाह हो जाएगा, उसको उठाएगा, कंधे पे रखेगा, फिर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा। जब दोजख के किनारे पर आ जाएगा तो वो उसके हाथ से छूट जाएगा और फिर हाविया में जा गिरेगा। उसके साथ फरिश्ते मारकर फिर कहेंगे जा वापस लेके आ, फिर ये वापस जाएगा, फिर उसे उठाएगा, फिर कंधे पे लेके चढ़ेगा और चढ़ेगा और चढ़ेगा। जब किनारे पर आएगा तो फिर उसके हाथ से छूट जाएगी, उसके फिर फरिश्ते मार के नीचे गिरा देंगे जा लेके आ। अब ये कभी उसमें से नहीं निकल सकता। इस कमाने से तौबा करें, ये कमाना जहन्नम में ले जाएगा। और उधर दूसरी सुनो, सयालमून अल्यौम मन अस्हाबुल करम, एक फरिश्ता ऐलान करेगा आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं, आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं।